देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवरात्रि पर एक ऐसा विचार आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो लोग फास्टिंग को सिर्फ ऐसा समझते हैं कि हम धर्म के लिए ही व्रत रखते हैं। मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद में हम इतना समझना चाहिए कि अगर बॉडी में रोजाना फूड डालते हो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमारे जो सिस्टम में ऐसा डाला है कि इतने दिनों में फास्टिंग हम करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। तो एक साइंटिफिक रीजन भी है। नवरात्रों में जो भी देशवासी जो धार्मिक श्रद्धा को लेकर के 9 दिन व्रत रखते हैं, मेरा उनको एक सुझाव है कि वो आलू ज़्यादा ना खा करके, इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है, वो पनीर खाएं। आनंदा का प्योर पनीर होता है, आनंदा का दूध लें, फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हैं, ये फास्टिंग के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। रबड़ी ले सकते हैं आप, एकदम फ्रेश क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है और प्योर प्रोटीन है। तो इस तरीके से आप देसी घी में कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक तो आपको एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खाएंगे और फास्टिंग को अपने को पूरा कर पाएंगे। और दूसरा एक और चीज़ है कि मैंने जो सुना है कि जैसा आपका खान पान होगा वैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके एक्शन होंगे, वैसे ही आपका रिजल्ट आएंगे। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से भी हमें जितना अच्छा डेयरी प्रोडक्ट, जितना अच्छा शाकाहारी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो फास्ट है वो भी सार्थक होगा, हमारे विचार और अच्छे होंगे। और माता रानी आपके सारे सपने पूरे करे, सारी आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद करो, आनंद करो, आनंदा आनंद करो।